press the bell icon on the YouTube app and never miss. अभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में आप देखेंगे कि पीसफुल कम्युनिटी की लड़कियां केरला के क्रिश्चियन कॉलेज में, जिसमें हर धर्म की लड़कियां पढ़ती हैं, वहां पे मस्जिद की डिमांड कर रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, हर महादेव, जय जगन्नाथ। मैं अच्छी हूँ, एक खबर सुन के भी मैं अच्छी रहती हूँ। हमारी दुआ है कि आप हमेशा अच्छी रहें और खुश रहें, और आपके ऊपर ये जो कुछ लोग आपको हमेशा टारगेट करते रहते हैं उनका साया आपसे जो है वो आपके ऊपर ना पड़े। उनका खबर कल मैंने एक देखी, अचानक से मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स टेस्ट कर रहे हैं कॉलेज के अंदर ही, उन्होंने घेराव किया हुआ है प्रिंसिपल ऑफिस का। तो मैंने समझा कि कोई ये डिमांड कर रहे होंगे, कोई लेबॉरेटरी की डिमांड कर रहे होंगे, कुछ एडमिशन के बारे में होगी या कोई स्टडी से रिलेटेड कोई इनका जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा होगा। लेकिन मैं चौंक गया जब मुझे ये पता चला कि वो एक चर्च से रिलेटेड एक जो कॉलेज है, जो चर्च एक रन कर रहा है, तो वहाँ पर जो मुसलमान जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें जुमे की नमाज और बाकी नमाजों के लिए वहाँ पर जगह चाहिए। तो ये एक चौंका देने वाली मस्जिद, देखें कोई भी जगह होती है, इंडिया हो पाकिस्तान, इंडिया में तो पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। तो वो कॉलेज से बाहर निकलते तो दो तीन गली के फासले पे वहां पर यकीनन कोई ना कोई मस्जिद होनी थी। ये केरला के अंदर तो आपको पता है कि वैसे ही बहुत ज्यादा मस्जिद हैं। तो ये कैसी ये खबर है, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा था, उन्हें क्या जरूरत ऐसी महसूस पड़ी, जबकि इस्लाम के अंदर ये चीज आपको भी पता है कि आप कहीं पर भी नमाज पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके लिए कोई जगह मुख्तस की जाए, मुकर्रर की जाए तो आप वहीं पर नमाज पढ़ सकते हैं, आप कहीं पर भी नमाज पढ़ सकते हैं। यानी कि आप किसी कमरे के अंदर, ये नहीं कि आप सड़क के ऊपर जाकर पढ़ना शुरू करते हैं या लोगों को डिस्टर्ब करें, ऐसे नहीं है। तो ये इनको क्यों ऐसी जरूरत पेश आई कि ये प्रोटेस्ट वहां पर कर रहे हैं और घेराव कर रहे हैं, और अपने लिए एक ऐसे कॉलेज के अंदर के जो चर्च चला रहा है वहां पर ये मस्जिद की डिमांड कर रहे हैं। Christian College in Kerala has sparked a heated debate by citing rules to deny a separate room for namaz, a demand made by female students after being turned away by the local mosque. This incident raises important questions about the balance between religious rights and institutional rules. The college is within its right to deny the demand as the rules are sacrosanct and apply equally to all students. Institutions have rules viewers in place for a reason. An exemption should not be made based on religious demands. सबसे पहले तो जय जगन्नाथ, हर हर महादेव सभी को। निर्मला कॉलेज केरला का ये न्यूज है, और निर्मला कॉलेज जो है कैथोलिक कॉलेज है, कैथोलिक जिसके अंदर चर्च है, लेकिन सभी धर्म के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। और निर्मला कॉलेज के सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर तकरीबन 4 से 5 मस्जिद हैं, 300 मीटर की दूरी पर 4 से 5 मस्जिद है, ये हम सबको पता है। मेरा अंदाजा सही साबित हुआ, बिल्कुल। और ये हम सबको पता है कि केरला में कांग्रेस पार्टी का दबदबा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और क्योंकि कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है तो मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसको अगर आज NRC करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाए तो पता चल जाएगा कि जो मुसलमान केरला में रह रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा मुसलमान या तो ईरान या तो खतर या तो बांग्लादेश या तो रोहिंग्या से आकर के बसे हुए हैं, ये पता चल जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाता है। अब होता क्या है कि हमेशा से नेहरू साहब के जमाने से लेकर के राहुल गांधी जी के जमाने तक तुष्टिकरण की राजनीति और मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति ये गांधी परिवार करता आया है, और यही इनका असली चरित्र भी है। इसको मैं और भी पन्नों को खोलूंगी। आपने कहा कुछ स्टूडेंट्स ना, फीमेल स्टूडेंट्स का ग्रुप, फीमेल स्टूडेंट लड़कियां ही थी। अच्छा,
इस चिंगारी को जलाने वाली और इस डिस्प्यूट का और इस झमेले का बीज बोने वाली केरला में मुसलमान लड़कियां हैं, और केरला की मुसलमान लड़कियां काफी फेमस है पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है कि वो मुसलमान लड़कों से हिंदू सनातनी या कैथोलिक लड़कियों को या यहूदी लड़कियों को वो मिलाती हैं, मिला करके धर्म परिवर्तन करवाती हैं और फिर उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करवाती हैं। केरला की लड़कियां और कर्नाटका की लड़कियां और वायनाड के मुसलमान लड़कियों का संपर्क डायरेक्ट टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से होता है। जस्ट सपोज कि अगर आप केरला गए हैं और आपने 100 मुसलमान लड़की से मुलाकात की है तो उसकी बातचीत से आपको समझ में आ जाएगा कि उस 100 में 98 लड़कियां 98 लड़कियां किसी ना किसी इस्लामिक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं और वो उनके लिए काम कर रही हैं। ये उनकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा, पर आपको करना क्या होगा कि अपने हुलिये को चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे मैं अगर केरला जा रही हूँ तो मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, अपने हुलियों को चेंज करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं क्रिश्चियन हूं। तो मैं रंगे हाथ पकड़ लूंगी कि ये एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की लड़की है जो काम कर रही है। केरला से पिछले 50 साल में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स और केसेस आए हैं जिसमें यह पता चला है कि केरला की मुसलमान और कर्नाटका की मुसलमान और वायनाड की मुसलमान लड़कियां एकदम फोकस में रहती हैं और टारगेट करके रखती हैं कैथोलिक लड़कियों को और सनातनी लड़कियों को और सिखड़ी जो लड़कियां होती हैं सिख परिवार की, उन लड़कियों को वो टारगेट करती हैं धर्म परिवर्तन करा करके टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन में उनका एडमिशन कराने के। अभी आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल है क्योंकि मुसलमान जो है वो ट्रेन पर नमाज पढ़ लेते हैं, मुसलमान जो है वो रोड पर नमाज पढ़ लेते हैं, मुसलमान जो है वो फ्लाइट पर नमाज पढ़ लेते हैं, मुसलमान जो है वो एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ लेते हैं, मुसलमान जो है वो एयरपोर्ट के वॉशरूम में नमाज पढ़ लेते हैं, मुसलमान जो है वो ट्रेन के वॉशरूम बाथरूम के पैखाने वाले बाथरूम के पानी से वजू कर लेते हैं, मुसलमान जो है वो समुन्दर के पास नमाज पढ़ लेते हैं, मुसलमान जो है वो नदी के पास नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो तो एक एक सिनेरियो चल ही रहा है भारत में, जो पीस कमेटी यहाँ पर है, मुस्लिम लीग कमेटी है, मजलिसे मुस्लिमीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो अवेसी की है, वो लोग ये सारे काम उनके लोग कर रहे हैं। लेकिन जब बात केरला की आती है तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो मुस्लिम फीमेल ग्रुप जो इस बात का जो डिमांड रखा कि निर्मला कॉलेज के अंदर मुझे नमाज पढ़ने के लिए, मर्दों की नमाज पढ़ने के लिए और औरतों की नमाज पढ़ने के लिए एक खास मखसूस जगह चाहिए, ये एक नॉर्मल हादसा नहीं है और ये नॉर्मल डिमांड नहीं है। इसमें दिमाग जो है वो खालिद मिशाल का है। अब क्योंकि ये बात सबको पता है कि केरला में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है जो कांग्रेस पार्टी से ही रोटी और बोटी लेता है, जिसको पाला पोसा है कांग्रेस पार्टी ने ही। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीएफआई, पीएफआई वाले जो हैं वो इस्लामिक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट भारत में चलाते हैं। पीएफआई कई बार उसके जो नेता हैं, उसके जो लीडर्स हैं, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उसके जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, वो कई बार एक पूरे पूरे ग्रोह के साथ पकड़े गए हैं और वहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज के साथ साथ टेररिज्म ट्रेनिंग भी होती हुई नजर आई है। एनआईए ने और एनएसजी ने भारत के कई बार पीएफआई के अड्डों पर छापेमारी की है और पीएफआई फैल करके महाराष्ट्र के भी कई गांव में, महाराष्ट्र के कई ग्राम में भी जाकर के बसा है और वहां पर भी उन्होंने पूरा ट्रेनिंग सेंटर खोल करके रखा था जिसमें हरे हरे झंडे लाई लहा लिखा हुआ, फिलिस्तीन हमास जिंदाबाद झंडे लिखे हुए और आराम से टेररिज्म ट्रेनिंग दी जा रही है जैसे आपके पाकिस्तान में
हनी ट्रैप की ट्रेनिंग होती है, टेररिज्म की ट्रेनिंग होती है, जैसे अजमल कसब था, जैसे लश्कर ए तैयबा है, जैसे जैश मोहम्मद है, जैसे अजमल मुजाहिदीन है, उसी तरीके से भारत के अंदर बैठ करके खालिद मिशाल के इशारे पर पीएफआई काम करता है। और अभी हालिया में जब फिलिस्तीन और हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो खालिद मिशाल ने बजावते वर्चुअली एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था, जिसमें वो वीडियो से जुड़ करके केरला के लाखों मुसलमानों को भड़का रहा था और हिंदुओं को गाली दे रहा था और हमास और फलस्तीन के फेवर में खून की नदियां बहाने के लिए सजेशंस प्राप्त कर रहा था। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजी लाइकान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ पीएफआई बल्कि जो हिजाब वाली जिहाद ने हैं इनके भी पूरे प्लान को एक्सपोज किया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।